जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 16 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज का पेपर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कल 15 अगस्त 2021 को जब हम अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किला के प्राचीर से भाषण देते वक्त कई सारी योजनाओं की घोषणा किया। वो योजनाएं, वो प्रस्पेक्टिव, वो सोच, वो दृष्टिकोण आपके मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू तीनों ही में आपको हेल्प करेगा। देखो, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषणा किया है कि 100 लाख करोड़ रुपए की, 100 लाख काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, 100 लाख करोड़ रुपए की एक घोषणा की प्राइम मिनिस्टर ने। और ये घोषणा थी गति शक्ति योजना। देखो यहाँ पर दिया हुआ गति शक्ति योजना, जो 100 लाख करोड़ रुपए की योजना होगी। इसके बहुत सारे प्रस्पेक्टिव हैं, इस योजना के भी कई सारे उप योजना हैं, जिसमें एक यह भी है कि 2047 में जब हम अपने आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तब हमारा देश ग्रीन सेक्टर में, या मैं कहूँ कि एनर्जी सेक्टर में स्वावलंबन होगा, आत्मनिर्भर होगा। तो इसको निश्चित तौर पर पूरा पढ़ें आप लोग। कल के प्राइम मिनिस्टर मोदी की घोषणा को लेकर के मैं एक स्क्रिप्टेड वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे मैं डिटेल से एनालिसिस कर दूंगा कि किन किन योजनाओं या किन किन मुद्दों की चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल अपने भाषण में किया है। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लें, प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन देख लें, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। देखो ये जो न्यूज़ है, अफगानिस्तान पे फिर तालिबान ने किया कब्जा। कल का दिन, 15 अगस्त 2021 का दिन, विश्व के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तालिबान ने जिस तरह से काबुल पे कब्जा किया, काबुल पे कब्जा करने का मतलब है अफगानिस्तान की राजधानी पे कब्जा करने का मतलब है पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेना। तो कल जिस तरह से हिंसात्मक रूप से कई ऐसे सिटी में देख रहा था, कंधार वगैरह का सिटी या मजार शरीफ का सिटी, जहाँ पे तालिबानी आतंकवादी ने घर में घुस के लोगों को पकड़ के बाहर निकाला और उसे मौत के घाट उतार दिया। और सबसे दुखद स्थिति यह है ना कि अगर आप देखोगे कि 75,000, महज 75,000 तालिबानी आतंकवादी थे, और 75,000 तालिबानी आतंकवादी के सामने में जो अफगानिस्तान की फौज था, जो ट्रेंड फोर्स था, जिसे अमेरिका ने ट्रेंड किया, जिसे नाटो ने ट्रेंड किया, वो 3.5 लाख फोर्स थे। तो जितना तालिबानी आतंकवादी था, उसका 4 गुना से भी अधिक जो है ट्रेंड मिलिट्री फोर्स था अफगानिस्तान के पास, बावजूद इस सेना ने आत्मसमर्पण किया। क्यों ऐसा किया, क्या इसके पृष्ठभूमि कुछ और थी, ये मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जो भी हो, कल का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और जितने भी लोग हैं, जितने भी देश के लोग वहाँ पे हैं अभी अफगानिस्तान में, कोशिश कर रहे हैं सब उसको जो है अपने वहाँ से बाहर निकाला जाए। भारत भी कोशिश कर रहा है कि भारत के नागरिक जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उसे बाहर निकाला जाए। अमेरिका भी इस तरह का कोशिश में लगा हुआ। तो इसको भी लेकर के मैंने सेपरेट वीडियो डिस्कस कर दूंगा। और तालिबान का जो टॉपिक है, उसमें ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था कि तालिबान की शुरुआत किस तरह से हुई, आज के पेपर में भी डिटेल से दिया हुआ है। अफगानिस्तान में रशिया की एंट्री हुई थी 1970 के दशक में, 70 के आखिरी दशक में। और अफगानिस्तान में जो रशिया की एंट्री हुई थी, और रशिया, रूस और अमेरिका के बीच चल रहा था आपको शीत युद्ध, रूस और यूएसए के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। रूस को हटाना था अफगानिस्तान से अमेरिका को, तो अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान का हेल्प लिया, और अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसा दिया, और ये दो देश, अमेरिका और सऊदी अरब, ने पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को क्रिएट किया। तो तालिबान को क्रिएट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसी देश का, तो वो अमेरिका का है। अमेरिका ने रूस को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए तालिबान का स्थापना इनडायरेक्ट रूप में किया, जो वही तालिबान आज अमेरिका को तबाह किए हुए हैं, वही तालिबान आज विश्व को तबाह किए हुए हैं। और निश्चित तौर पर भारत पर इसका असर काफ़ी ख़राब पड़ने वाला है, क्योंकि तालिबान जो आतंकवादी संगठन है, उसका संबंध पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी संगठन से है, अलकायदा से उसका संबंध है, अन्य आतंकवादी जितने भी संगठन है, आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में, उस सब से उसका संबंध है। और ये जो आतंकवादी संगठन अलकायदा वगैरह, ये यूज करेंगे तालिबान का भारत के खिलाफ, तो भारत में आतंकवाद की घटना बढ़ सकती है, इसका प्रबल डर भारत को निश्चित तौर पर है। एक बार इसको भी देख सकते हैं, हमारे देश के CGI हैं, इन्होंने कहा है कि संसद में सार्थक बहस ना होना खेदजनक।
देखो इस तालिबान को लेकर के और कल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्टेटमेंट है उसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बना करके बाद फिर से डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि क्या इशू एग्जैक्टली क्रिएट हुआ, तालिबान की पृष्ठभूमि क्या रही है। उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है कि तालिबान किस तरह से क्रिएट किया था अमेरिका ने। किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ाने पे होगा जोर, ये भी देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कल घोषणा किया था उसी घोषणा का एक पार्ट है, लाल किला में जो भाषण दिया था उसी भाषण का एक पार्ट है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखो ग्रीन हाइड्रोजन की हमें आवश्यकता है, 2047 तक हम जो है एनर्जी सेक्टर में स्वावलंबन होंगे। अभी हमारा सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व जो खर्च होता है वो खर्च होता है एनर्जी सेक्टर में, हमें तेल का आयात करना पड़ता है, हमें कोयला का आयात करना पड़ता है, हमें गैस का आयात करना पड़ता है, तो उसमें हमारा पैसा बहुत सारा खर्च होता है, विदेशी मुद्रा काफ़ी खर्च होती है। तो 2047 तक का जो टारगेट लिया गया है उस टारगेट में यह है कि हमें एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है, और अगर हमें एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एक और कल घोषणा किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि 75 वंदे भारत ट्रेन, जो वंदे भारत ट्रेन चलती थी दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक, अब 75 वंदे भारत ट्रेन पूरे इंडिया में चलेगी, 75 टोटल वंदे भारत ट्रेन चलेगी पूरे इंडिया में। बाकी इसमें बहुत सारा पॉइंट है, देखो ये भी है ये भी है, इसको पूरा आप लोग देखना, ये जितने भी आज का न्यूज़ है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ना। इसको भी एक बार देख सकते हैं। देखो गति शक्ति योजना के बारे में ऑलरेडी हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है, उसी के बारे में यहां पे दिया हुआ। 1 जुलाई 2022 तक, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 1 जुलाई 2022 तक जो है हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना है, तो उसी के संबंध में यहां पर दिया हुआ चर्चा, यहां पर देखो यहां पर दिया हुआ है तीसरा चरण, यानी 1 जुलाई 2022 तक हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है, जो पॉलीथीन वगैरह हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, उस पॉलीथीन को उस प्लास्टिक को बैन करना। एक बार इसको भी देख सकते हैं, मृत्यु दर में कमी से बुजुर्गों की आबादी वर्ष 2021 में 13.8 करोड़ हो गई है। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति जब इस तरह का स्टेटमेंट दे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे लगातार हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्वाड जो हमने डिस्कस किया था, क्वाड के में भी हमने किया था, क्वाड पर जो हमने स्पेशल वीडियो बनाया था उस पर भी हमने डिस्कस किया था कि चीन पर निर्भरता खत्म करनी होगी, ना सिर्फ भारत की बल्कि क्वाड के जो चारों देश हैं, चारों ही देश का अच्छा व्यापार होता है चीन के साथ। आज चीन को भले ही हम कितना भी क्रिटिसाइज करें लेकिन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी कौन है तो चाइना है। अमेरिका भले ही चीन को कितना भी क्रिटिसाइज करे तो अमेरिका के सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी चाइना है। इसी तरह से जापान कितना भी चीन को क्रिटिसाइज करे, जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी चाइना है। और ऑस्ट्रेलिया कितना भी क्रिटिसाइज करे कि ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी चाइना। तो ये जो चारों देश क्वाड हैं, इस क्वाड का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी चाइना है। तो हमें चीन पे निर्भरता कम करना होगा, इसके लिए जो है हम ये जो क्वाड के चारों देश हैं एक दूसरे का सप्लाई चेन विकसित करना होगा, जो चीज़ हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो सकती है हम करें, इन देशों को सप्लाई करें, जो जापान में हो सकती है वो अन्य देशों को सप्लाई करें। तो धीरे धीरे चीन से मैन्युफैक्चरिंग हब को कम करके हमें क्वाड के देशों पर इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाने की आवश्यकता है। देखो ये पूरा का पूरा पेज डेडिकेटेड है अफगानिस्तान को लेकर के, इसको जरूर आप लोग पढ़ें कि अफगानिस्तान किस पे सुरक्षा परिषद का तत्काल बैठक बुलाया जा रहा है, और इस तरह से देख रहे हो आप बच्चे हैं और उसके हाथ में मशीन गन्स हैं, तो इस तरह की आतंकवादी गतिविधि अभी चल रही है, मतलब जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जितना हिंसा, उससे अधिक हिंसा अभी वर्तमान के समय में अफगानिस्तान में हो रही है। तो इसको लेकर के विश्व समुदाय को सजग रहने की आवश्यकता है, विश्व समुदाय को एक्शन लेने की आवश्यकता है, और विश्व समुदाय का सबसे अधिक गुस्सा अमेरिका के प्रति है। अमेरिका को अफगानिस्तान से इस तरह से निकलना नहीं चाहिए था, अमेरिका को एटलीस्ट सेटल करके निकलना चाहिए, वो बिना सेटल किए हुए निकल रहा है। और अमेरिका ने जो डेट दिया था, अमेरिका की बेइज्जती इसलिए भी हो रही है कि अमेरिका ने कहा था कि 31 अगस्त तक वो
अफगानिस्तान से बाहर निकलेंगे, जबकि तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया 15 अगस्त को ही। तो अमेरिका ने जो कट ऑफ डेट दिया था उस कट ऑफ डेट से 15 दिन पहले अफगानिस्तान पे अमेरिका का तालिबान का कब्जा हो गया, तो इसलिए भी अमेरिका की बेइज्जती पूरे वर्ल्ड में भी हो रही है। और दिल्ली काफ़ी यात्री, 229 यात्री दिल्ली आए हैं अफगानिस्तान से। उस यात्री से मैंने इंटरव्यू सुन रहा था, उस यात्री का, काफ़ी लोग दहशत में काफ़ी डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग हैं। चलो इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए वहीं पे डिस्कस कर लूँगा। देखो यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बोला है कि अमेरिका ही तालिबान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाया, तालिबान किसकी क्रिएशन है, तो तालिबान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की क्रिएशन है और प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की क्रिएशन है। तालिबान को क्रिएट किया पाकिस्तान ने, इसलिए तालिबान के साथ आज भी, अभी भी जो तालिबान अफगानिस्तान में मजबूत हुई उसमें सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की है, सबसे बड़ी भूमिका चीन की है। चाइना और पाकिस्तान वर्तमान में तालिबान को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। और जो तालिबान का निर्माण हुआ था 1980 के दशक में, उस निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका थी अमेरिका की। अमेरिका ने पैसा दिया पाकिस्तान को, लेकिन क्रिएट किया तालिबान को पाकिस्तान ने। देखो तालिबान का कहना है कि भारत के विकास कार्य का स्वागत पर सैन्य भूमिका ठीक नहीं। तालिबान का कहना है कि आप जो विकास काम किए हैं अफगानिस्तान में, आपने जो डैम बनाया हम उसका प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो आप सेना भेजिएगा तो वो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर तालिबान एक तरह से धमकी दे रहा भारत को, और विकास कार्यों के भले ही स्वागत कर रहा हो, लेकिन हमने देखा किस तरह से डैम को तोड़ने का भी प्रयास किया। जो डैम भारत ने बनाया था अफगानिस्तान में, उसे तोड़ने का भी तालिबान ने कोशिश किया और प्रयास किया। देखो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बाइडेन ने अफगान नीति को किया असफल। ट्रंप का कहना है कि जो बाइडेन की अफगान नीति है वो काफ़ी असफल रही है, और निश्चित तौर पर असफल है। जो बाइडेन की जो वर्तमान में तालिबान नीति रही है, अफगानिस्तान नीति रही है, वो काफ़ी हद तक असफल है। देखो यहाँ पे रंजीत सागर झील में गिरे हेलीकॉप्टर के पायलट का सब मिला, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो जब इस तरह का झील वगैरह चर्चा में रहे, तो वो जाकर के नेट पर सर्च करके आप लोग देख सकते हैं कि रंजीत सागर झील कहाँ पे आखिर है। तो रंजीत सागर झील है रावी नदी पे, रावी नदी के तट पे रंजीत सागर झील है, इसको भी एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पढ़ सकते हैं, एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आज, एटोरियल आप लोग खुद पढ़ लो, क्योंकि नई शिक्षा नीति के बारे में दिया गया है और नई शिक्षा नीति पर ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया। अमेरिकी असफलता पे अफगान अध्याय, देखो ये स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको जरूर पढ़ लें। तालिबान को लेकर के डेडिकेटेड पेज आज दिया हुआ है और साथ ही साथ एटोरियल दिया हुआ है। कल की तालिबान की घटना जो हुई है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे अनुसार विश्व के इतिहास का काला दिन लिखा जाएगा 15 अगस्त 2021 का दिन। देखो इस टॉपिक पे भी हमने कई बार डिस्कस किया, इसको भी आप लोग खुद से पढ़ें। हमने डिस्कस किया था कि सरकार, केंद्र सरकार ने संसद में एक कानून पारित किया था, और ये कानून था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। अब तो अधिनियम हो गया है, ये पारित किया था, और इसके पारित करने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा उसको लेकर के दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। शहरों में पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाने की जरूरत, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, चूँकि नीति आयोग का ही एक रिकमेंडेशन था, एक रिपोर्ट था 2018 में, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI 2018 में, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2021 तक भारत के 21 बड़े सिटी का ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा। मसलन उन्होंने कहा था कि दिल्ली का भी ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा, उन्होंने कहा था चेन्नई का ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा, पुणे का ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा। तो 21 बड़े सिटी का ग्राउंड वाटर 2020 तक जीरो हो जाएगा। ये नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 में कही थी, एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो हैती में तेज भूकंप आया, 700 से अधिक ज़्यादा लोगों की मौत। तो ये जो हैती का लोकेशन है, यहाँ पे सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, हैती का जो लोकेशन है, कैरिबियाई कंट्री है हैती, हैती के लोकेशन जाकर के देख लेना, कैरिबियाई कंट्री है हैती, अटलांटिक महासागर में पड़ता है, उसका लोकेशन जाकर के एक बार आप लोग देख सकते हैं।
बाइडेन बोले भारत का लोकतंत्र दुनिया को देता है प्रेरणा। तो एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं, चूंकि अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर बाइडेन ने भारत को कंग्रेचुलेट किया है 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पे, और साथ ही साथ पुतिन ने भी कहा है, मॉरिसन ने भी कहा है। एक बार इसको देख सकते हैं, ये जानकारी के लिए देखना चाहिए आप लोगों को। न्यूजीलैंड की नौकरी छोड़ बिहार के गांव में लिखी स्वावलंबन की पटकथा। तो जानकारी के लिए एक बार इसको देख सकते हैं कि क्या नया टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है जो लोग बाहर से छोड़ करके फिर इंडिया आ रहे हैं या फिर बिहार आ रहे हैं। और एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। देखो बेसिकली आज के पेपर में एनालिसिस करूँ तो आज के पेपर में दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भाषण दिए थे कल लाल किला के प्राचीर से हुआ है, तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और दूसरा मैं एनालिसिस करूं अफगानिस्तान को लेकर के, जो है जो कल अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया, मसलन हथियार के दम पे काबुल के सड़कों पे कल तालिबान के आतंकवादियों को देखा गया, आम बात था। जगह जगह पे जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस होती है वहाँ पे वो लोग बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े थे और काफ़ी लोगों को मारपीट किया गया, काफ़ी लोगों को जान से मारा गया। तो तालिबान का इशू भी कल हम लोग एक टॉपिक है जो आज के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन। तो दोनों को लेकर के मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का पेपर ज़रूर पढ़ें। जिस टॉपिक को मैंने एटलीस्ट इंडिकेट किया आपके लिए कि इसको पढ़ना चाहिए, उसको ज़रूर पढ़ें। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल विजडम एजुकेशन के नाम से है, तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको दैनिक जागरण का PDF मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। और ये दो वीडियो सेपरेट वीडियो मैं इस पर बना दूंगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के कल के संबोधन पे और साथ ही साथ तालिबान के इशू को लेकर के। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।